हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 2 की फाइनल आंसर की कुछ टाइम के लिए रिलीज की गई थी, जिसमें काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने अपने आंसर्स देख लिए। ऑफिशियली अभी एसएससी की वेबसाइट पे नहीं आई थी, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो एस्पिरेंट्स ने मेरे पास आंसर की भेजी कि सर ये चेंजेस हुए हैं, तो उससे मेरे को ये पता चला कि दो क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिसमें कोई भी ऑप्शन में एसएससी ने फाइनल फिक्स नहीं कराई कि आंसर है, तो उसमें सबको मार्क्स दे दिए गए हैं। और चार क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके एसएससी ने ऑप्शंस को चेंज किए हैं, ठीक है, और वो चेंज जस्टिफाइबल नहीं लग रहा काफी एस्पिरेंट्स को, ठीक है। उनमें से मैं भी हूँ कि कुछ ऑप्शंस मेरे को भी लग रहा है कि पूरी तरीके से एसएससी ने जो पहले दे रखा था वो ठीक था और जो अब करा है वो चेंज गलत है, राइट। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगर एसएससी तक मेरी ये वीडियो पहुंचे तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी आपने ऑफिशियली फाइनल आंसर की रिलीज नहीं करी है, अगर आप उसमें कुछ चेंज करके, अगर आपको लगता है कुछ गलती है तो आप उसमें चेंज करके उसे अभी रिवाइज कर लें, जिससे कि आगे दिक्कत ना हो। अगर आपको लगता है कि आपने जो आंसर की फाइनल निकाली है वो बिल्कुल ठीक है, तो ऑब्वियसली यू कैन गो विद इट। बाकी एस्पिरेंट जिसे जो गलत लगेगा वो अपने हक के लिए लड़ सकता है, जिसे लगेगा सब कुछ सही है वो अपने लिए चल सकता है, ठीक है। उसमें ना ही हमारा रोल होगा, फिर वो एस्पिरेंट्स के आपस की बात रहेगी। बट यहाँ पे मैं सारी चीज़ें एक बार क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। देखो, दो क्वेश्चन में एस्पिरेंट्स को और सभी टीचर्स को भी डाउट था, आपने टीचर्स की भी वीडियोज देखी होंगी, उन्होंने भी कहा था कि इस क्वेश्चन में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं थी, एक्सिस डिनाइड अपने आप में एक पैसिव फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। बट एसएससी ने इसका कहा लेट द एक्सिस बी डिनाइड, और यही सही माना, और मैक्सिमम एस्पिरेंट्स ने इसी पे मार्क भी किया था, तो ज्यादा लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आई एसएससी ने अगर इसमें कोई चेंज नहीं किया। एक प्रोबेबिलिटी वाला सवाल था ये वाला सवाल, इसमें भी एसएससी ने कोई भी चेंज नहीं किया। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक से करते हैं तो इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग में थोड़ी सी गलती हमें नजर आती है, ठीक है। उसमें अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, मैंने जब इसका सॉल्यूशन कराया था तब भी इस चीज के बारे में बात करी थी, और मैंने ये भी कहा था हो सकता है एसएससी इस चीज को माने, हो सकता है ना भी माने कि क्वेश्चन की अगर फ्रेमिंग में गलती है तो मे बी वो ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आगे बढ़े और इसमें सबको नंबर ना दे। दोनों पॉसिबिलिटीज बनती है, लेकिन एसएससी इसे भी कंसिडर करना चाहता था तो कर सकता था और बेनिफिट टू ऑल दे सकता था, ठीक है। ये भी कोई मेजर कंसर्न नहीं है, मैं इससे भी आगे बढ़ता हूँ। अब हम बात करते हैं, मेन क्वेश्चन है ये वाला जिसमें एसएससी ने सभी एस्पिरेंट्स को पूरे मार्क्स दे दिए। टाइटल का क्वेश्चन है, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकती है कि लग सकता है कि ये दो टाइटल सही बन रहे हैं, तो अगर दो ऑप्शन सही हो जाते हैं तो वो एम्बिगुअस क्वेश्चन हो जाता है, उसमें सबको सारे मार्क्स मिलते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, ठीक है। तो एसएससी ने इस क्वेश्चन में सबको पूरे नंबर दिए हैं, और एक क्वेश्चन था थ्रो अ राउंडर स्टोन टू क्रिएट रिपल्स इन दी वॉटर, एसएससी ने इस क्वेश्चन में भी सबको पूरे नंबर दिए हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि सबको मार्क्स मिले हैं, सब खुश है। इस वाले क्वेश्चन में कंसर्न यह था कि पी ए यूनियन बी हमें क्या दे रखा है, 5/9 दे रखा है, और यहाँ पे पी ए दे रखा है 11/18, तो अगर मैं इसे 18 बनाने की कोशिश करूं तो ये 10/ मेरे पास क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है, पी ए यूनियन बी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ए यूनियन बी हमारा क्या हो गया, पी ए से कम हो गया, विच इज नॉट द जनरल केस, ठीक है, जनरली ऐसा नहीं होता है जो नॉर्मल क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी वाला केस आपको मेरे ख्याल से 11th 12th में भी ये चीज नहीं आती, और उसके बाद कहीं आती है नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का केस, तो मेरे को उसके बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि एसएससी में जो मैथमेटिक्स होता है वो 10th लेवल तक का होता है। प्रोबेबिलिटी एडिट ऐड किया एसएससी ने, और प्रोबेबिलिटी में जो सवाल पूछे हैं वो भी 10th लेवल से ऊपर के पूछे, हमें उससे भी कंसर्न है, 12th तक भी आप इंक्लूड कर लें तो वहाँ पे भी हम मेरे ख्याल से नेगेटिव प्रोबेबिलिटी वाला ऐसा कुछ नहीं देखते, उसके आगे कहीं आता हो तो पता नहीं मेरे को, ठीक। तो अगर हम बात करें तो उस हिसाब से क्वेश्चन की फ्रेमिंग में गलती, तो सबको बेनिफिट टोल दिया जा सकता था, बट एसएससी ने ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व करके ये आंसर निकाल दिया, ठीक है। चलो इसे भी छोड़ के चलते हैं आगे, इसे नहीं कंसिडर किया कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा पहले भी एसएससी मेरे ख्याल से कर चुका है। अब दिक्कत कहाँ हुई है, ऑप्शंस चेंज, कुछ क्वेश्चंस थे जिनका आंसर पहले सही लग रहा था लेकिन एसएससी ने अभी चेंज कर दिया। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है, ये आपका सर्कुलर टेबल वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो एसएससी ने पहले आंसर मार्क किया था वो था स्टेटमेंट 1 और 2 टुगेदर आर नॉट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए बी सी डी ई एंड एफ ये एक राउंड टेबल पे बैठते हैं, सभी के सभी किसी ना किसी डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो हमें बताना था डी किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, आप ये बताइए। इस क्वेश्चन को आप पूरा सोल्व करेंगे तो आपको कहीं भी डी की डायरेक्शन के बारे में पता नहीं चलेगा दोनों स्टेटमेंट पढ़ के। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए उसका आंसर यही होना चाहिए, स्टेटमेंट 1 और 2 टुगेदर आर नॉट सफिशियंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। बट एसएससी ने इनिशियल आंसर की में ये दे रखा था, फाइनल आंसर की में एसएससी ने ये चेंज कर दिया, और मेरे को लगता है
कि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स, ठीक है, जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी है, उन लोगों का फाइनल आंसर की में ये क्वेश्चन गलत हो गया है। और अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो -4 हुआ है। और जो मैंने कट ऑफ का एनालिसिस किया था, हमने उसमें भी देखा फाइनल रेट में हमें 4 नंबर का डिफरेंस तो देखने को मिल रहा था, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर जो भी ढंग से करके आया होगा, जिसके पास टाइम रहा होगा, उसने नॉट सफिशियंट वाले पे मार्क किया होगा और एसएससी ने फाइनल आंसर की में चेंज किया। एसएससी को पता हो लॉजिक तो वो ही बता सकते हैं, बाकी आपको लगता है कि जो एसएससी ने फाइनल आंसर की में आंसर दिया है वो सही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपना डिटेल्ड रेस्पॉन्स इसका दे सकते हैं कि इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर सही है, ठीक है, जिससे कि मेरे को भी आइडिया लग जाए, बाकी एस्पिरेंट्स जो परेशान है इस क्वेश्चन को लेकर वो भी पता चल जाए, क्योंकि हर किसी की लिमिटेड नॉलेज होती है, कहीं ना कहीं किसी से भी गलती हो सकती है। तो मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ, हो सकता है मैं क्वेश्चन को करने में गलत हो रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में जिसको लगता है कि जो एसएससी ने फाइनल आंसर की में आंसर मार्क किया वो सही है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक। आगे मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन के ऊपर। सिनेमाज प्रोवाइड द मोस्ट यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट, क्वेश्चन ये था, ठीक है। एसएससी ने पूछा था कि इसमें कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है या नहीं है। इसमें 4 स्टेटमेंट है, आ यूनिवर्सल, एन यूनिवर्सल, मोर यूनिवर्सल, ठीक है, या फिर नो करेक्शन रिक्वायर्ड। पहले एसएससी ने कहा था कि इसमें आ यूनिवर्सल आएगा, ठीक है। अब फाइनल आंसर की मैंने कहा कि इसमें कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपने आप में बिल्कुल सही है। जनरली अगर हम बात करें, जैसे यूनिवर्सल हो गया, परफेक्ट हो गया, राउंड हो गया, अदर इस तरह के काफी सारे वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर कहते हैं कि वो कंपेरिजन में यूज नहीं होते, ठीक है, उसमें द मोस्ट या मोर इस तरह के वर्ड उनसे पहले यूज नहीं होते। ये कुछ बुक्स का रेफरेंस हम दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे PKD सरकार बुक करके कोई है, मुझे एस्पिरेंट्स नहीं भेजी है सारी की सारी चीजें, एक प्लिन टू पैरामाउंट जो मैक्सिमम एसएससी एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं वो बुक है आपकी, ठीक है, एसपी बख्शी बुक है जो बहुत एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, रेनन मार्टिन जो काफी सारे हाई स्कूल्स में भी पढ़ाई जाती है, ठीक है, इन सारी बुक में आपको इससे रिलेटेड रेफरेंस मिल जाएगा कि तो ये अपने आप में ही कंप्लीट होते हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, राउंड हो गया, परफेक्ट हो गया, इटरनल हो गया और ये यूनिक हो गया, ठीक है, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है, इसके मल्टीपल एक्सप्लेनेशन भी पॉसिबल हैं, तो इस पे मैं हार्डकोर नहीं जा सकता कि यार ये बिल्कुल ही डेफिनेटली 100% ही गलत है या जो भी है, बट दोनों ही तरीके से एस्पिरेंट्स यहाँ पे अपना पक्ष रख सकते हैं कि यार ये आ यूनिवर्सल इसका मोर अप्रोप्रिएट आंसर बन सकता था। बाकी दो चीजें यहाँ पे मैंने आपको बताई कि कुछ इस तरीके से चल रहा है, ये एक पर्टिकुलर एग्जाम था, द मोस्ट यूनिक थिंग, जैसे द साइकिल इज द मोस्ट यूनिक थिंग एग्जाम में पूछा गया था, तो इसे फिर गलत ठहराया गया था, ठीक है, इसमें यूनिक के साथ मोस्ट नहीं लग सकता क्योंकि यूनिक अपने आप में ही इनफ है, ठीक। एक एग्जाम का रेफरेंस ये हो गया। एक जो पर्सनल इनकम और ग्रोस इनकम वाले एग्जाम क्वेश्चन था, इसमें था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द टोटल इनकम अर्न्ड बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेज बिफोर डिडक्शन ऑफ पर्सनल इनकम टैक्सेस। एसएससी ने पहले पर्सनल इनकम दिया था, फाइनल आंसर की में से ग्रोस इनकम कर दिया है, ठीक है। एसएससी के ही एक एग्जाम का मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये एसएससी एमटीएस 2023 टीयर 1 जो अभी 8 सितंबर 2023 को हुआ था, उसी की शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा था व्हाट इज पर्सनल इनकम और इसका आंसर एसएससी ने मार्क करा था द टोटल इनकम अर्न्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड हाउसहोल्ड्स बिफोर टैक्सेस एंड अदर डिडक्शन। आप कंपेयर करके देख लीजिए, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे फिर ये पर्सनल इनकम की डेफिनेशन ठीक जा रही है, तो इसमें या तो पर्सनल इनकम को एसएससी ठीक मानता, अगर ग्रोस इनकम एसएससी को यहाँ पे मानना भी था तो एम्बिग्युटी देनी चाहिए थी और सभी लोगों को पूरे मार्क्स इसमें देने चाहिए थे, इधर पर्सनल इनकम या फिर इधर ग्रोस इनकम, मतलब आप एम्बिग्युटी, अगर आपको हल्का सा भी डाउट था तो एम्बिग्युटी करके सबको पूरे नंबर इस क्वेश्चन में दिए जा सकते थे, बट ऑप्शन चेंज करना तो फिर वो इस क्वेश्चन को भी गलत कराता है जो एसएससी एमटीएस में पूछा जा चुका है, और इसके रेफरेंस एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी इससे रिलेटेड चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो मेरा ये लगता है, ये एसएससी से ही मैं कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं जीके नहीं पढ़ाता, मैं बस आपको रेफरेंसेस दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये और सारी की सारी चीजें मैंने खुद ने नहीं ढूंढी है, मुझे बच्चों ने भेजी है जिनका क्वेरी था रिजल्ट से रिलेटेड, तो वो सारी की सारी चीजें मैं दिखा रहा हूँ। जिनको लगता है कि नहीं एसएससी का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, वो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला, आप वहाँ पे बता सकते हैं बाकी जो भी चीजें हैं। एक ये हॉकी करके एक वर्ड था, इसका फाइनल आंसर एसएससी ने पहले 1 कर रखा था और इसे बाद में 2 कर दिया गया, ठीक है। इसके बारे में मैं श्योरिटी से नहीं बोल सकता कि 2 सही है या नहीं है, ठीक है। मैं इसके इसमें यही दे रखा था कि जो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ एंड सिक्स्थ नंबर पे वर्ड है, मतलब ओ, ए और ई और वाई, इन वर्ड को यूज करके कितने वर्ड्स इंग्लिश में पॉसिबल हैं। तो एक तो बड़े आसानी से सभी लोगों ने बना लिया होगा योग,
और दूसरा एक बन रहा था OKEY। अब OKEY अपने आप में वर्ड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, या फिर हो सकता है कुछ और भी ऐसा निकल के आ रहा हो जो हमें समझ ना आ रहा हो या कुछ भी। तो चलो इसे भी छोड़ दिया, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो जैसे कि रीजनिंग का ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें तो एटलीस्ट SSC ने, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गलती करी है। और हो सकता है आप, अगर आपको लगता है कि नहीं गलती नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी सारी की सारी चीज़ें, ये ग्रॉस इनकम पर्सनल इनकम वाला, इसमें भी मुझे लगता है कि या तो बेनिफिट टू ऑल या कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए था। पर्सनल इनकम को हटा के ग्रॉस इनकम करना ये सही है या नहीं, ये डाउटफुल है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। हाँ, अगर मेरी बात इस तक पहुंचे तो प्लीज इसे एक बार एक्सपर्ट कमिटी जिन्होंने आंसर की को चेंज किया है, आप उनसे एक बार दोबारा सजेशंस लीजिए। अगर बिल्कुल 100% सब कुछ ठीक है तो ठीक है, आप एक छोटा सा नोटिस या कुछ डाल दीजिए कि एवरीथिंग इज करेक्ट, अदरवाइज क्या नोटिस क्या डालेंगे। बाकी अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन की जरूरत है कुछ है तो आप मॉडिफाई कर दें, जिससे कि सारी चीज़ें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। क्योंकि अभी आपने फाइनल आंसर की नहीं निकाली है, फाइनल मार्क्स नहीं निकाले हैं, तो अभी चेंजेस की गुंजाइश है, ठीक है। और फाइनल आंसर की और मार्क्स में अगर कुछ लगता है तो वो अगर अपडेट हो जाता है तो उस हिसाब से चीज़ें चल जाएंगी। क्योंकि काफ़ी डिपार्टमेंट्स में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है CBIC डिपार्टमेंट के अंदर, और हो सकता है आने वाले रोजगार मेला में अपॉइंटमेंट लेटर भी एस्पिरेंट्स को मिलने स्टार्ट हो जाए। ठीक है, बस मेरा तो SSC से अनुरोध ये रहेगा कि आप एक बार दोबारा इन क्वेश्चंस को एक बार चेक करें, एक्सपर्ट कमेटी ऑलरेडी आप लोगों के पास है, उनसे एक बार डिस्कस करें कि क्या एक्चुअली में सही है, अगर बेनिफिट टोल दिया जा सकता है, कुछ और किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि एम्बिग्यूटी है उसे रिजोल्व किया जा सकता है तो उसे रिजोल्व करें, ठीक है। और बाकी अगर ये है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो आपने फाइनल आंसर की में दिया वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई भी चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बिल्कुल सटीक हैं अपने उस पर, तो फिर बाकी एस्पिरेंट्स जिसको जो लगे वो अपने हिसाब से, एवरी वन इज फ्री टू डू वट एवर दे वॉन्ट, ठीक है। उसमें ना ही हम कुछ कर सकते हैं ना ही कोई और कुछ कर सकता है। दिस इज ऑल वट आई वॉन्ट टू से, ठीक है। नॉलेज हर टीचर की लिमिटेड हो सकती है, ठीक है, हर चीज के बारे में 100% श्योरिटी से कहना कि हाँ यही है वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सभी लोग अपनी नॉलेज के हिसाब से जिसे जो ठीक लगे दे कैन ऑप्ट फॉर इट, बट अगर क्वेश्चंस में एक्चुअली में एरर है इनमें, तो अगर एक क्वेश्चन में भी चेंज होता तो 4 नंबर अपने आप में बहुत मैटर करते हैं। लोगों की ड्रीम पोस्ट उनके हाथ से निकल के दूसरी पोस्ट मिल जाती है, कुछ लोगों का सिलेक्शन हट जाता है, ठीक है। और ऐसे अगर 2 या 3 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन भी हो गए तो 12 नंबर अपने आप में बहुत मैटर करते हैं, 2 क्वेश्चन भी हो गए तो 8 नंबर अपने आप में बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। तो यही है। और अगर आंसर की में SSC ने 6 क्वेश्चन अपने आप में चेंज किए तो ये अपने आप में बड़ी हैरत वाली बात है कि 135 क्वेश्चन आपको बनाने एग्जाम के अंदर, ठीक है, मेन सिंगल डे में। इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है, ग्रुप बी ग्रुप सी पोस्ट के लिए लोग रिक्रूट किए जाएंगे, 7,000 से ज्यादा वैकेंसीज थी हमारे पास, है ना, उसमें 135 में से 6 क्वेश्चन में चेंजेस आ गए। 2 क्वेश्चंस का बेनिफिट टू ऑल है और 4 क्वेश्चंस के ऑप्शन चेंज हो गए, 6 क्वेश्चन चेंज कर दिए। उसके बाद भी एक दो क्वेश्चन कह रहे हैं कि उसमें चेंज होना चाहिए था, बच्चे बोल रहे हैं जो SSC ने नहीं माना, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर बनाया जा रहा है, ठीक है। एक बेटर तरीके से क्वेश्चन पेपर बनाया जा सकता है, लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। कोई नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है कि चलो कंटेंट राइटर ने गलती कर दी मान लिया जाएगा, ठीक है। मल्टीपल शिफ्ट होती से कहते 50 शिफ्ट बनानी है Tier 1 के, तो समझ आता है चलो इतने क्वेश्चन बनाने हैं तो कुछ गलती का स्कोप हो सकता है। लेकिन जब एक पेपर बनाना है और उससे एक बहुत मेजर डिसीजन दिया जाएगा, मार्क्स उसके जुड़े जाएंगे, तो वहां पे इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन में गलती ना हो। सिर्फ पेनल्टी लगाने से या क्वेश्चन से कुछ और चीजें करने से काम नहीं बनेगा, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस रिगार्ड। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे यहीं विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।